सीएस में हर एक मैच रैंडम प्लेयर के साथ खेल के क्या गाइस आप लोग जीतना चाहते हो? हाँ। अगर हाँ तो गाइस आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि यूज करने के बाद आप लोग हर एक मैच क्लैश स्क्वाड रैंक का हर एक मैच आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीत सकते हो। उसके बाद भी गाइस देखो मैं आप लोग एक बोनस ट्रिक बताऊंगा जो कि गाइस अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तभी गाइस आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताऊं ना एकदम गाइस नया टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप लोग ये फॉलो करके फटाफट मतलब ग्रैंड मास्टर हीरोइक आप लोग फटाफट जा सकते हो वो भी रैंडम प्लेयर के साथ खेल के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, फटाफट लाइक कर देना आज की इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं वह 7K लाइक फटाफट करा देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो तो गाइस आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर ठीक है वो कैटर कॉम्बिनेशन, देखो कैटर में आप लोगों को ओडियन कैटर लेना है, फिर सोनिया लेना है, फिर गाइस आप लोगों को मिगवेल और मोको कैटर कॉम्बिनेशन लेना है। और ये कैटर कॉम्बिनेशन भाई रैंडम प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और ओडियन का यूज तो गाइस आपको पता ही है एकदम गोला हो जाएगा, उस डे के अंदर कोई अगर एनिमी आया तो उसको मतलब 5-5 करके डैमेज लगेगा। और ओडियन ले रहे हो तो गाइस आप लोगों को मिगवेल तो लेना ही पड़ेगा तभी गाइस आप लोग इसको वुकोंग जैसे यूज कर पाओगे, फिर आप लोगों को सोनिया और मोको लेना है। तो ये कैटर कॉम्बिनेशन आप लोगों को जरूर से लेना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है मैं आप लोगों को एक सीक्रेट गन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो कि गाइस रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएगा। वो है गाइस आप लोगों को एक AWM लेना है और एक बिजॉन लेना है। गाइस आप लोगों को एक AWM से 150 का डैमेज दे देना है, फिर गाइस आप लोग बाकी का जो डैमेज है वो बिजॉन से लगा देना। सो ये गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएगा, आप लोग बिलीव करो, आप लोग खुद ट्राई करके देखो, एक AWM लो एक बिजॉन लो। और ये गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों जगह पे ही चला सकते हो और उसके साथ गाइस आप लोग डिगल भी ले सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटजी बता देता हूं रैंडम प्लेयर के साथ खेलो, कौन सा स्ट्रेटजी आप लोगों को यूज करके खेलना है ताकि आप लोग हर एक मैच जीतो, वो है फ्लैंक। देखो गाइस आप लोगों को अकेले फ्लैंक करना है, देखो रैंडम प्लेयर आप लोगों का बात नहीं सुनेंगे, मुझे पता है आपको भी पता है, तो गाइस उनके साथ रश करके कोई फायदा नहीं है, वो लोग मर जाएंगे और आप लोगों को भी मरवा देंगे। तो उससे अच्छा गाइस आप लोग अकेले फ्लैंक करो, एकदम जोन के साइड से जाओ, साइड से जाके गाइस एकदम पूरा फ्लैंक करके एनिमी को मार दो। तो गाइस एकदम जोन के साइड से जाना, थोड़ा देख देख के जाना और एनिमी को पीछे से पूरा उड़ा देना, जिस भी एनिमी को गाइस आप लोग नॉक करोगे उसको जरूर से आप लोग पहले फिनिश कर देना। इसके बाद गाइस देखो फोर्थ नंबर ठीक है ना वो गाइस आप लोगों ने ऑल टाइम अपना जो माइक है वो ऑफ कर देना है, और गाइस आपका जो मतलब टीममेट का जो साउंड आता है जिससे जो हेडफोन का साउंड है वो भी गाइस आप लोगों को ऑफ कर देना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जो टीममेट का जो साउंड आता है ना वो गाइस आप लोग नहीं सुन पाओगे, तो गाइस आप लोग पूरा गेम में मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट करके खेल पाओगे। वैसे भी गाइस आपका जो रैंडम प्लेयर है वो फालतू बकते हैं यार, तो गाइस आप लोग का गेम से कॉन्सेंट्रेट हट जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग अपना माइक हेडफोन सब कुछ ऑफ करके खेलना, एकदम पूरा फोकस लगा के गेम में खेलना, अपने टीममेट का वॉइस एकदम मत सुनना यार, आप लोग फालतू में हार जाओगे। गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है ये बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, एक मिस्टेक है। तो गाइस आप लोग बहुत बंदे क्या करते हो, वन टैप करने जाते हो भाई, शॉर्ट रेंज में कभी भी आप लोग वन टैप मत करना अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल लो, लॉन्ग रेंज में कर सकते हो वुड पेकर ये सब गन से मतलब ट्राई कर सकते हो, बट शॉर्ट रेंज में कभी भी मत करना, फालतू में सामने वाला बंदा आपके आपको स्पैम करके चला जाएगा। आप लोग शॉर्ट गन का यूज करो, M1014 लेके पूरा धप धप करके स्पैम करके मारो यार, आप लोग SMG गन का यूज करो, पूरा स्पैम करके खेलो, कोई भी वन टैप का सीन में मत जाना। गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में ज्यादा खेलते हो तब गाइस आप लोग को ऑलवेज हाइट एडवांटेज का यूज करना है। हर एक राउंड में गाइस एक ऐसा जगह होता है जहां पे जाके गाइस आप लोग इजीली हाइट एडवांटेज लेके एनिमी को मार पाते हो, तो गाइस आप लोग ऑल टाइम उस मतलब वो जगह पे जाना है, हाइट एडवांटेज लेके एनिमी को मारना है। फिर गाइस देखो क्या होता है ना, ऊपर से अच्छा खासा व्यू मिलता है, आप लोग अपने रैंडम प्लेयर को भी कॉक दे सकते हो ऊपर से, और गाइस ऊपर से हेडशॉट भी लग जाता है इजीली, तो इसलिए गाइस आप लोग ऑलवेज हाइट एडवांटेज का यूज करना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेवन नंबर ठीक है वो आप लोगों को फर्स्ट राउंड कैसे निकालना है, फर्स्ट राउंड के लिए मैं आप लोग ऑल टाइम बोलूंगा कि आप लोग G18 या फिर WSP लो, फालतू में आप लोग M500 के पीछे मत जाओ, वन टैप पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था, वन टैप करने जाओगे सामने वाला बंदा आपको स्पैम करके मार देगा। और एक चीज भी गाइस आप लोग कर सकते हो, आप लोग ड्रॉप लूट सकते हो, ड्रॉप में गाइस आप लोगों को सीध मिलता है तो सीध लेके भी आप लोग शॉर्ट रेंज में मार सकते हो, वरना गाइस G18 WSP लेके एकदम पूरा स्पैम करके मारो। इसके बाद गाइस देखो 8 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो अगर आप लोगों को AWM ये सब चलाना नहीं आता तब गाइस आप लोगों को कौन सा कैटा कॉम्बिनेशन यूज करना है, वो है गाइस देखो आप लोगों को M1014 रखना है और गाइस आप लोगों को शॉर्ट गन रखना है, मतलब दोनों शॉर्ट रेंज गन रखना है। उसके साथ गाइस आप लोगों को एक डेजर्ट ईगल रखना है, ठीक है, ये गन एकदम पूरा शॉर्ट रेंज के लिए बना है, एकदम शॉर्ट रेंज में पूरा स्पैम करके मारना, कोई भी UMP SMG गन में मत जाना, आप लोग पूरा दो शॉर्ट गन रखना, एक M10 एक M1887, फिर गाइस आप लोग पूरा स्पैम करके एकदम फायर करके मारना। इसके बाद गाइस देखो जो 9 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो आप लोगों को ऑल टाइम ऐसा खेलना है, आप लोगों को ये माइंडसेट लेके चलना है कि आप लोग 1v4 खेल लो, 1v4 सिचुएशन को गाइस आप लोगों को हैंडल करना आना,
करना चाहिए। और 1v4 कैसे गाइस आप लोग खेल सकते हो, गाइस आप लोग को अपना जो मूवमेंट स्पीड है वो गाइस बढ़ाना पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग एक से दूसरे जगह पे मतलब एनिमी को घुमा घुमा के मार पाओगे। तो कैसे गाइस आप लोग को अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ाना है उसके ऊपर गाइस देखो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, फटाफट जाके गाइस आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएगा, आप लोग का मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा ओपी हो जाएगा। और इसके बाद गाइस जो लास्ट नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो अगर आपके टीम में से कोई भी रैंडम प्लेयर अच्छा खेल जाए ना तो गाइस आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, मतलब उस रैंडम प्लेयर के पीछे पीछे जाना है और उसको गाइस कवर देना है, क्योंकि अगर कोई आपका रैंडम प्लेयर अच्छा खेल रहा होगा तो आप और वो रैंडम प्लेयर मिलके दोनों मिलके पूरा सामने वाला स्क्वाड को हरा सकते हो, अगर अच्छा खेल रहा है तभी, वरना गाइस आप लोगों को फ्लैंक करना है, और अगर अच्छा खेल रहा है थोड़ा मोड़ा अच्छा खेल रहा है आप लोगों को सिर्फ उसको कवर देना है, तो दो बंदा मिलकर गाइस कोऑर्डिनेट करके एनिमी को पूरा हरा देना, पूरा स्क्वाड को एकदम हरा देना। और इसके बाद गाइस देखो जो आज का बोनस ट्रिक है वो है गाइस एकदम फुल कॉन्फिडेंस देके खेलना कि भाई मैं रैंडम प्लेयर के साथ भी खेल के पूरा स्क्वाड को हरा सकता हूं और ग्रैंड मास्टर जा सकता हूं। उसके साथ गाइस देखो अगर आप लोगों को कुछ AWM के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है ना, AWM एकदम ओपी तरीके से चलाना है, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों जैसे मैंने बोला था मूवमेंट स्पीड अगर आप लोगों को इंक्रीज करना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और बाय द वे गाइस इस वीडियो को भी जरूर से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा।